और लेटेस्ट न्यूज यूट्यूब पर देखने के लिए सब्सक्राइब करें सत्यमेव न्यूज। दरियावद के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खूंटा विद्यालय में राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस पर महापुरुषों की तस्वीर को लेकर प्रधानाचार्यों और ग्रामीणों में विवाद हो गया। प्रशासनिक अधिकारी व पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचकर माहौल को शांत करवाया गया। इस संदर्भ में 27 जनवरी को तहसीलदार महोदय और CBEO महोदय को ज्ञापन सौंपा गया और मांग रखी गई कि 26 जनवरी 2020 गणतंत्र दिवस महापर्व पर अराजक तत्वों द्वारा विद्यालय में उपद्रव तोड़फोड़ करने और प्रधानाचार्य से धक्का मुक्की व जातिगत गालियों तस्वीरों को तोड़ना, कर्मचारियों के नाम का बोर्ड तोड़ना और सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं होने देना तथा ध्वजारोहण को रोकना, इस प्रकार राष्ट्र विरोधी कार्य किए गए। इस प्रकार का जो भी हिंसक कार्य किया गया है उसके खिलाफ कार्यवाही करने की मांग की गई है और जो समाज विरोधी हरकत की गई है जिसके तहत गलत मैसेज गया है उसके लिए भी उच्च अधिकारियों को अवगत कराया ताकि प्रधानाचार्य पे जो इल्ज़ाम लगे हैं गलत साबित हो सके। और अधिकारियों से ये मांग की गई है कि अगर इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया तो हमारे द्वारा धरना प्रदर्शन व आंदोलन किया जाएगा। इस ज्ञापन में प्रधानाचार्य के समर्थक में कई ग्रामीण और स्कूल के विद्यार्थी मौजूद रहे। धर्म से वो करते हैं वो, तो उसके बाद सब जनों ने मिलकर विरोध किया। उस समय मेरे को भी पता नहीं था, मैं भी उनके साथ ही था। उसके बाद लास्ट में सोरों ने मतलब जय भीम का झंडा उठा के फिर सोरे रोने लगे, तब मेरे को पता चला कि सर झूठ नहीं है और शिक्षा को बढ़ावा दे रहे, इसलिए मतलब सर के ऊपर क्या पता झूठा आरोप लगाया जा रहा है। अभी भी हम कक्षा में गए, सब सोरों से मतलब मिलकर बातचीत हुई, सब सोरे कह रहे हैं सर ऐसा कुछ नहीं कर रहे और सब सर हमारे सही है और ये चर्च ठीक है। और दो साल हो गए सर पढ़ा रहे हैं इसका स्कूल में और पहले 2 स्कूटी आई, अब 12 स्कूटी मिलने वाली है। तो सर किसी भी तरह से अपने शिक्षा के स्तर को, अपने ग्रामीण एरिया को और अपने जो ट्राइबल एरिया है उसको शिक्षा में आगे से आगे बढ़ावा दे रहे, बस जय हिंद। स्कूल का स्टाफ किसके साथ में है, प्रशासन ये ऑफिस स्कूल के साथ में या ग्रामीण के साथ में? स्कूल का स्टाफ तो सब प्रिंसिपल के सर के साथ में ही है, साथ में ही हम गए थे, हमने देखा। कल 26 जनवरी प्रोग्राम हुआ राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय खूंटा के अंदर, जिस तरह ग्रामीण कुछ अब तत्व ने जिस तरह से जाति प्रिंसिपल साहब के ऊपर जिस तरह का जाति का आरोप लगाया और तस्वीर का जिस तरह आरोप लगाया वो बिल्कुल ही सरासर झूठ है, क्योंकि विद्यालय के अंदर जो तस्वीर थी उन्होंने मां सरस्वती की तस्वीर लगाई, भीमराव अम्बेडकर तस्वीर लगाई और भारत माता की तस्वीर लगाई, और वो लोग कह रहे हैं कि ये प्रिंसिपल साहब किसी की मूर्ति तस्वीर नहीं लगा रहे, वो बिल्कुल गलत है। जहाँ आप प्रत्यक्ष हमने आपको देखा, जाके देखा कि जहाँ मां सरस्वती का मंदिर बना हुआ है, एक तरफ भीमराव अम्बेडकर की तस्वीर लगी हुई है और अब्दुल कलाम की लगी हुई है, सबकी वहाँ मौजूद है, लेकिन जो जिस तरह से उनका तस्वीर का आरोप है बिल्कुल गलत है। और दूसरी बात ये लगा रही है जातिगत मतलब मामला उठाते, जातिगत मामला सर का इस तरह कोई भेदभाव हमने क्या, वहां जाके जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको जाके पूछा होगा कि इस तरह का मामला किसी प्रकार का हमको सर जातिगत किसी प्रकार गालियां गलौज कुछ नहीं करते। और तीसरी बात ये कहते हैं कि वो डोरों के लिए मतलब कहते कि डोरे नहीं बांधे थे, मंदिर में नहीं जाने थे, वो भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि आप आज भी हमने जाके आंखों से देखा है, क्योंकि प्रत्येक बच्चे के अंदर हाथ में डोरा है, जो मतलब बांधना चाह रहे उसके हाथ में डोरा है, गले में डोरा है। इस प्रकार सर के ऊपर बिल्कुल सरासर गलत झूठा आरोप लगाया जा रहा है और उनको फंसाने की साजिश की जा रही है, क्योंकि वहाँ का रिजल्ट बहुत अच्छा रह रहा है। 2018 से जब से सर आए हैं 2 स्कूटियां मिली है, आज अभी वर्तमान में 12 स्कूटियां मिलने वाली है, क्योंकि शिक्षा का स्तर बहुत ऊंचा उठा है और वो उनको क्या जो ग्रामीण कुछ अब तत्व है उनके पेट में पच नहीं रहा है। सीधी सीधी बात ये, वो क्या जो प्रिंसिपल सर है किसी के पक्षी और निपक्ष की बात नहीं करना चाहते, वो क्या जो कुछ प्रभावी आदमी है उनको दबाना चाहते हैं, वो दबाना चाहते हैं वो, क्योंकि वो सत्यवादी आदमी है और किसी के पक्ष और निष्पक्ष किसी प्रकार की वो इस तरह की गलत बात नहीं करते। आपकी क्या मांगे है? हमारी मांगे ये है कि प्रिंसिपल सर को यथावत उस सेवा में है वो सेवा में कार्यरत रहे, अगर प्रिंसिपल सर के साथ में किसी प्रकार का खिलवाड़ होता है तो पूरा ग्राम हम आंदोलन करेंगे, जन आंदोलन करेंगे और जनहित किसी प्रकार का अगर नुकसान हो तो वो प्रशासन जिम्मेदार रहेगा, अगर सर के खिलाफ अगर कुछ ऐसा गलत कदम उठता है तो हम पूरा ग्रामीण सबके साथ में है। अगर किसी ग्रामीण के द्वारा कोई अब तत्व जो है वो सिर्फ अपने स्वार्थ के निजी स्वार्थ के लिए वो क्या सर को दबाना चाह रहे हैं, मेन मुद्दा यही है कि वो निजी स्वार्थ का मुद्दा उठाया और जो मुद्दा उठा वो किसी पार्टी पॉलिटिक्स का थ्रू नहीं था, वो क्या अपने निजी स्वार्थ के खाली उनके मुद्दा बना के और सामाजिक तत्वों ने क्या मतलब उसको क्या एक
मतलब जातिगत को उसको रूप दे दिया। बाकी जातिगत मामला कुछ नहीं, वो सर बिल्कुल किसी जाति किसी धर्म के खिलाफ कुछ नहीं बोल रहे। और सब क्या है, वो अपने सिर्फ वो एक ही काम कर रहे, शिक्षा को बढ़ावा देना। शिक्षा दे रहे हैं, उनकी रूटी नहीं निभा रहे, और उस रूटी के खिलाफ जो कह रहे कि मतलब ये इस तरफ क्या किसी टीचरों को अपमानित करते, ऐसा कुछ नहीं है।